बात स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिजनेस मास्टर। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बिजनेस मास्टर मनोज कुमार चंद जी मौजूद हैं, जो जवाब देंगे आपके हर सवाल का, जो सुलझाएंगे आपकी हर एक उलझन, कैसे अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ें, कहां से शुरुआत करें, क्या उसकी प्रक्रिया होती है। जो भी आपके सवाल हो हमें कॉल करिए और आप तक जवाब हम पहुंचाएंगे। फिलहाल सलामत अली जी का रुख करना चाहेंगे, मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सलामत जी, और सवाल? जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है और क्या प्रश्न है आपका। मेरा नाम जितेश है, मुझे नया रेस्टोरेंट खोलना है और होटल, उसमें मुझे बिजनेस भी करना है, तो मुझे इसमें प्रॉफिट होगी क्या लॉस होगी? जी होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या उसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। होटल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। होटल इंडस्ट्रीज आज के समय में तो लॉस होने का कोई चांस नहीं है अगर उसको सही तरीके से किया जाए। लेकिन होटल इंडस्ट्री में किस तरह से, रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं कि होटल रूम वाले सिस्टम में जाना चाहते हैं? दोनों में आज के समय में प्रॉफिटेबल व्यवसाय है, 20% 25% की मार्जिन है, बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। उसकी शुरुआत कहाँ से करें, कि इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए लगभग? नहीं, ये किस तरह के, मतलब किस तरह का होटल, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं या होटल? जी ये रेस्टोरेंट के तौर पर अपना बिजनेस जो है शुरू करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट के तौर पर ना, तो रेस्टोरेंट खोलने के लिए इन्हें एक कोई इलाका चुनना पड़ेगा, वहाँ एक जगह कम से कम 1200 स्क्वायर फीट का जगह देखना पड़ेगा जी। और अब इलाके इलाके के ऊपर में निर्भर करता है, अगर कोई सस्ता इलाका होगा तो वहां कम में शुरू हो सकता है, महंगा इलाका होगा थोड़ा ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर जगह को छोड़ दिया जाए तो कम से कम 5 से 6 लाख का इन्वेस्टमेंट में इनका काम शुरू हो सकता है। शुरुआती तौर पर 5 से 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की इनको जरूरत पड़ेगी। सलामत जी, अगला सवाल लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है और आपका क्या प्रश्न है? सर मेरा नाम रोहित है। सर मुझे क्रूज लाइन पे मुझे फूड इंडस्ट्री में करियर बनाना है, तो क्या सर क्रूज लाइन पे मुझे होटल मतलब कैफेटेरिया ओपन करने है सर? कैफेटेरिया इनका भी वही प्रश्न है, कैफेटेरिया ओपन करना चाहते हैं, क्या प्रॉफिट होगा? जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, आज के समय में फॉरेन की कंपनियां आकर इंडिया में एक लाइन से व्यवसाय चालू कर दिए हैं और अपने रेस्टोरेंट मतलब कैफेटेरिया के तरह की बहुत सारी, जैसे सीसीडी वगैरह है, चेन मार्केटिंग, फ्रेंचाइजी की मार्केटिंग एकदम कर रहे हैं, इसलिए आप जा सकते हैं और बहुत प्रॉफिटेबल वाला व्यवसाय है, कम से कम 30 से 35% की मार्जिन निश्चित है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि कैश का बिजनेस है, आपका 1 रुपए भी उधार नहीं लगना है, आपको एकदम प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लेकिन उसमें आपको पूरा समय देना होगा और पूरा लगना होगा, यानी कि वक्त थोड़ा लगेगा जरूर, लेकिन फायदा आपको बहुत ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर उधार का कोई चांस नहीं है। हमारे साथ दिल्ली से कॉलर जुड़ गए हैं, मनोज जी आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी पूछिए अपना सवाल। जी पूछिए अपना सवाल। आपकी आवाज अब तक ठीक से पहुंच नहीं रही है, कुछ तकनीकी कारणों के चलते। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार दोबारा से कॉल करें और अपना सवाल दोहराएं, क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी यहां पर समझ में आ रही है मुझे उनकी तरफ से। टीवी का वॉल्यूम काफी हाई है, जो लोग भी हमें फोन कर रहे हैं प्लीज ध्यान रखें कि अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम करके उसके बाद हमसे सवाल करें। मनोज जी, यहाँ पर एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में, कि जैसे दो लोगों ने आपसे सवाल किया कि हम रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, हम कैफेटेरिया खोलना चाहते हैं, ऐसे में वैरायटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी कैफेटेरिया में आप खाने का कितना सामान रख रहे हैं, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, ये भी बहुत ज्यादा अहम होता है। शुरुआती तौर पर अगर बात की जाए तो किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए ये आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल जो अभी नए रेस्टोरेंट और नए कैफेटेरिया खुल रहे हैं जी, ये
अपना काउंटर लगा रहे हैं, अपना एक छोटा सा शोरूम खोल रहे हैं और इन्हें इनका जो माल है वो कहीं और रेडी होता है, तो इसलिए इनके मतलब फ्रंट साइज में बहुत कम एरिया में अपना काम चालू कर रहे हैं और पीछे में कहीं कोई एक फैक्ट्री एक छोटी सी कारखाना टाइप बना लिए हैं और वहां पे माल तैयार करके वहां भेजते हैं। तो आजकल इस तरह का व्यवसाय जो पहले फॉरेन में चला करता था वो हमारे इंडिया में अब चालू हो चुका है और इसमें अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग तमाम होटल का मतलब डिग्री बहुत ज्यादा इसी लाइन में होटल की डिग्री लेकर लोग आ रहे हैं और इसमें लग रहे हैं, तो बहुत अच्छा। कॉलर मनोज जी और जुड़ गए हमारे साथ, गुजरात से है सूरज भाई जी। पूछिए सूरज जी अपना सवाल। मैंने पहले भी आपको एक बार पहले अगले वीक में भी आपको सवाल किया था कि हम लोग जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे वहां पे हमारी एक पूरी खत्म हो गई जी, अब हम क्या करेंगे मतलब। चलिए सूरज जी हम जवाब आपका ले लेंगे। मनोज जी इन्होंने पहले भी फोन किया था कि जिस कंपनी मेरी जॉब कर रहे थे वो कंपनी बंद हो गई है, अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए? अब अगर वो कंपनी बंद हो गई तो इन्हें फिर दूसरा जॉब देखना चाहिए, दूसरी कंपनी में देखना चाहिए और किस टाइप का काम करते हैं उस टाइप की कंपनियों में ही जॉब खोजें, दूसरे कंपनी में खोज के फिर इन्हें फायदा नहीं मिलेगा। कई बार ऐसे लोगों के दिमाग में मनोज जी दो तरह के सवाल चल रहे होते हैं कि हम नौकरी ढूंढे या फिर हम बिजनेस करें, ऐसे में सेफ ऑप्शन क्या होता है? हालांकि बिजनेस सेफ नहीं है लेकिन फायदा उसमें आगे जाकर ज्यादा। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई नौकरी करता है नौकरी के बीच में छोड़कर वह बिजनेस में आता है तो सबसे बड़ी मतलब बड़ी मुश्किल की बात यह होती है कि उन्हें फिर से सीखना पड़ता है अपने मतलब करियर में, वो फिर से एक नया सीख का समय आरंभ करते हैं जो शायद बीच में आने के बाद में लोगों के लिए दिक्कत होता है क्योंकि हर आदमी के ऊपर में कुछ न कुछ अपनी पारिवारिक लायबिलिटी होती है, इस लायबिलिटी को तुरंत मीट आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए तो मेरा यही सलाह है कि कम से कम वह अपने सामने वाला जो भी उनका लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को देखते हुए ही आगे का कदम बढ़ाएं, क्योंकि किसी भी अगर नया लाइन में आप आते हैं तो 2-3 साल आपको लग जाएंगे वह सीखने में और बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे मिलेंगे और आपको गलत रास्ता बता देंगे जिसमें आपका अपना बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बिजनेस में अगर ट्रांसफर होना है तो या तो नौकरी करते करते आप उस लाइन को सीख लीजिए फिर उधर ट्रांसफर होइए, अन्यथा आप नौकरी कीजिए पार्ट टाइम से शुरुआत करके फुल टाइम अगर आएंगे तो ज्यादा बेहतर ज्यादा कम ले ऐसे टाइम पर, क्योंकि बीच का ये वक्त होता है और बहुत अहम होता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इंसान के ऊपर रहती है। सलामत अली जी करो कर लेते हैं मुझे, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। सलामत अली जी और सवाल जी। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और आपका क्या कुछ प्रश्न। मेरा नाम तनवीर खान है और मैं कुछ रिसाइकलिंग के बेस पे पूछना चाहता हूँ, जैसे स्टेनलेस स्टील फाउंड्री ऑफ स्टेनलेस स्टील, तो आज की मार्केट देख के कंडीशन इतनी बुरी है कि कभी मार्केट ऊपर नीचे होती है, तो क्या इसमें एक बड़ा कंडीशन है और बड़ा लेंदी बिजनेस है, तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करना आज के टाइम पे क्या है? स्टेनलेस स्टील फाउंड्री ऑफ स्टेनलेस स्टील रिसाइकलिंग बेस। स्टेनलेस स्टील के बारे में जानना चाहते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट करना कितना सही है। स्टेनलेस स्टील की रिसाइकलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, मार्केट भी ऊपर नीचे होता रहता है इस बिजनेस को लेकर, ये इनका सवाल। देखिए स्टेनलेस स्टील का मार्केट ऊपर नीचे बिल्कुल होता है लेकिन स्टेनलेस स्टील का स्कोप खत्म होने वाला नहीं है और इसमें आने के लिए इन्हें बहुत ही अच्छा है, ये मतलब इसको मैन्युफैक्चरिंग से ही चालू करें तो ज्यादा बेटर होगा और मार्केट में स्टेनलेस स्टील का अच्छा स्कोप भी है जी। चलिए सलामत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवाल हमारे दर्शकों ने किए मनोज जी से, मनोज जी जवाब लगातार दे रहे हैं, अभी चाहे तो हमें कॉल कर सकते हैं और सबसे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से इंद्रदेव हैं जी। इंद्रदेव जी पूछिए क्या सवाल है आपका। इंद्रदेव जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कहा सलामत अली जी ने जो सवाल लिया था मनोज जी उससे जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। स्टेनलेस स्टील की रिसाइकलिंग का ही बिजनेस करना चाहते थे, ऊपर नीचे मार्केट के फैक्टर्स होते रहते हैं, शुरुआती इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहेंगे, कहां से शुरुआत करनी चाहिए?
देखिए स्टेनलेस स्टील का शुरुआत करने के लिए इन्हें भी जो स्टेनलेस स्टील के जानकार लोग हैं उनके साथ कांटेक्ट करना चाहिए, उनके साथ कांटेक्ट करके वो प्रक्रिया पूरी जाननी चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना चाहिए, और फिर अगर इनके पास अपनी पूंजी है तो कोई बात नहीं है, नहीं पूंजी है तो फिर बैंक से मदद लेनी चाहिए और फिर इन्हें अपनी फैक्ट्री को तैयार करना चाहिए। इंडस्ट्री लगाने का एक फॉर्मल तरीका है, इसी तरीके के ऊपर में इन्हें जाना चाहिए। बिल्कुल जी मनोज, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, उसके बाद भी जारी रहेगा आपके सवालों और हमारे बिजनेस मास्टर के जवाबों का सिलसिला। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। We'll be right back.